हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस टू द एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, यानी अधिशोषण के क्या उपयोग हैं। चलिए आज संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम क्रिएट करने में भी एडसॉर्प्शन कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है। गैस मास्क भी एडसॉर्प्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, कैटालिस्ट पर कोई भी गैस या कोई भी रिएक्टेंट एडसॉर्ब होता है एडसॉर्प्शन के कारण, तभी रिएक्शन प्रोसीड होती है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए एल्युमिनियम या सिलिका जल का प्रयोग किया जाता है, जिस पर मॉइस्चर एडसॉर्ब हो जाता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, कोकोनट चारकोल को प्रयोग किया जाता है जो इनर्ट गैसों को एडसॉर्ब करने का कार्य करता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल, एनिमल चारकोल का प्रयोग करके हम कोई भी सोल्यूशन से कलरिंग इम्प्योरिटी को एडसॉर्ब करा करके हटा सकते हैं। इनक्योरिंग ऑफ डिजीज, कुछ संक्रामक बीमारियों में जर्म को एडसॉर्ब करके मारा जाता है। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर के रूप में भी सिल्वर क्लोराइड का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जो एडसॉर्प्शन के कांसेप्ट पर कार्य करता है।